साई की बात। बच्चे तू अपने जिंदगी में जब जब डगमगाएगा ना, जब जब कमजोर पड़ेगा, तेरा साई तुझे सहारा देगा मेरे बच्चे, तुझे संभालेगा, तुझे उठाएगा मेरे बच्चे, तुझे कभी गिरने नहीं देगा। मैं भले ही नजर नहीं आता पर मैं हमेशा अपने बच्चों के आसपास रहता हूँ, उनके साथ खड़ा रहता हूँ मेरे बच्चे। जब मेरा बच्चा अपने दिल से और मन से मुझे महसूस करता है ना, उसे मेरे होने का एहसास जरूर होता है मेरे बच्चे। तू जब भी मुझे अपने दिल से या मन से पुकारेगा ना मेरे बच्चे, मैं हाजिर हो जाऊँगा तेरे पास मेरे बच्चे, हाजिर हो जाऊँगा। तू अपने आप को सबसे कमजोर क्यों समझता है मेरे बच्चे? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू लड़ नहीं सकता अपने हक के लिए? मेरे बच्चे तुझ में तो वो हिम्मत है कि तू पूरी दुनिया से अकेला लड़ जाए मेरे बच्चे, अकेला लड़ जाए। तुझे अपनी ताकत को पहचानना होगा मेरे बच्चे, तुझे हिम्मत करके खड़ा होना होगा। तू देख, तेरे अंदर मैं बहुत हिम्मत भर दूंगा, बस तुझे थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, अपने मन को मजबूत बनाना होगा मेरे बच्चे, और खड़ा होके आगे बढ़ना होगा। अपने लिए जीना सीख मेरे बच्चे, अपने लिए खुशियां जो तेरे पास है उसे संभालना सीख मेरे बच्चे। तू हमेशा परेशान और दुख होने के कारण हमेशा अपने पास से सारी खुशियों को दूर कर रहा है मेरे बच्चे। नहीं, तुझे हर पल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियों को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना चाहिए मेरे बच्चे, हमेशा। और हाँ, जो तेरी थाली से जो निवाला बचता है ना मेरे बच्चे, वो मैं किसी अपने बच्चे के लिए रखता हूँ मेरे बच्चे, उसका पेट भरने के लिए रखता हूँ। जो तेरे थाली में से निवाला बचता है वो कभी भी खराब नहीं जाता, मैं कभी खराब नहीं जाने देता, मैं अपने बच्चे के लिए रखता हूँ। और हाँ, मुझ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो। तू जिस तरह से अपने परिवार का लालन पालन करता है ना मेरे बच्चे, उसी तरह से मुझे तेरी चिंता रहती है। मैं भी तेरे परिवार का और तेरा ध्यान रख रहा हूँ, और तेरे परिवार पर आने वाली बला को, संकट को मैंने टाल दिया है, वो दूर दूर तक तेरे परिवार को और तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगी। और कुछ बच्चों को मुझसे शिकायत है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुझे मुझसे बहुत सारी शिकायत है कि साई आप सुनते नहीं, पर मेरे बच्चे मैं सब सुनता हूँ, सब जानता हूँ, बस थोड़ा सबूरी रख मेरे बच्चे। मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ दूर करूँगा, हर एक चीज़ दूर करूँगा जो तुझे परेशान करती है मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, बस मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझ पर ही कार्य कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तू जब मुझसे कल कुछ कह रहा था ना, तो मैंने सुना मेरे बच्चे, मैंने तेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, जल्द ही वो पूर्ण हो जाएगी। और हाँ, कई मेरे बच्चों को लगता है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, पर मेरे बच्चे कोई बात नहीं, मुझे तेरी की गई हर तरीके से पूजा स्वीकार है, हर समय स्वीकार है मेरे बच्चे, बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया कर। बस मुझे तो दिल से भी पुकारेगा ना साई, तो मैं तभी आ जाऊंगा मेरे बच्चे। कभी भी अपने मन में ये मत लाया करो कि सुबह ही साई सुनेंगे, नहीं मेरे बच्चे, तो दिन रात कभी भी मुझे पुकारेगा, तेरा साई तेरे पास होगा मेरे बच्चे, हमेशा। और हाँ, जो तेरी इज्जत गई है ना, उसे मैं वापस लौटाऊंगा मेरे बच्चे, ये मेरा वादा है तुझसे। ये वक्त बदलेगा, तू देखना, ऐसा वक्त बदलूंगा मेरे बच्चे, तू देखता रह जाएगा। और तू उन ऊंचाइयों को छुएगा मेरे बच्चे, जो तेरा सपना था और जो तू नहीं कर पाया, अब वो वक्त आ गया है, तुझे आगे बढ़ना है, अपने साई का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। मैं तुझे रास्ता दिखा रहा हूँ, बस उस पर चलते रहना और आगे बढ़ते रहना मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहा कर मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहा कर।